फिर तो कुछ नहीं चला। अरे लड़के ना भाई थोड़ा ना जिसके सामने मारा 10 लोग खड़े थे सबको एक आदमी को मारा 4 लोग के अलावा कौन सा होगा तुम्हें मारा इसने बताओ ना मुझे तुम ही बता दो ये खड़े थे ऐसे मत बताओ तुम छोटा फूट हो ऐसा नहीं है कि तुम तुम्हारे साथ जेल में रहो तुम मेरे पहचान पाओ क्यों ये भी जो पूर्व में थाना क्षेत्र से चोरी नकदजनी और मोबाइल चोरी लूट इत्यादि जो है धाराओं जो जेल गए थे विगत 5-7 महीनों के अंदर, तो इन लोगों को अभी कोविड संक्रमण के चलते हुए माननीय न्यायालय द्वारा पेरोल पे छोड़ा गया है। तो ये जब से छोटे हुए हैं तब से लगातार इनको थाने पे बुलाया जाता है ताकि अपनी जो है यहाँ पे हाजिरी दे सकें, और जो भी थाने पे नहीं आ रहा तो इनके घरों पे जाके जो है इनका सत्यापन किया जाता है, इन पे जो है सतर्क दृष्टि रखी जा रही है। साथ ही इनको अगर बाहर जाना होता है सर तो कैसे जाते? ये जो पेरोल पे छूटे हुए हैं इन्हें हमारे द्वारा ये बताया गया है कि जब भी बाहर जाएंगे तो उससे पूर्व थाने में सूचना देंगे कि ये जा कहाँ रहे हैं। अगर ये सपोज डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही कहीं जा रहे हैं तो हम वहाँ के थाना अध्यक्ष को भी जो है संबंध में सूचित करते हैं कि भाई हमारे यहाँ से जो पेरोल पे छूटा हुआ है ये बंदा आपके क्षेत्र पर आ रहा है, इस पर दृष्टि रखी जाएगी।